अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन मुल्लों को और पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्पों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरत वंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं, आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टीम एशो में। मैं हूं गौरव और मैं आज आपको बताने वाला हूं 16 दिसंबर यानी कि विजय दिवस की कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विजय दिवस तो शुरू करते हैं विजय दिवस यानी कि जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1971 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश का जन्म कराया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया, क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान अपने वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ही परेशान था। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था, इसलिए ही ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए थी, तो जिसमें हिंदुस्तान एंटर नहीं कर रहा था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने उसमें एंटर किया, तो वो ये हुआ कि इनकी जो वॉर थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, वो तकरीबन 9 महीनों से चल रही थी, जिसका नाम दिया हुआ था लिबरलाइजेशन वॉर। तो हिंदुस्तान इसीलिए एंटर हुआ कि 3 दिसंबर यानी कि विजय दिवस के तकरीबन 13 दिन पहले जो हमले पाकिस्तान ने किए ईस्ट पाकिस्तान पे, और उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान की कुछ एयर बेसिस पे भी हमले किए। तो साथ ही साथ उस दिन हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कोलकाता में एक रैली कर रही थी, तकरीबन 5 लाख लोग वहाँ पर थे, और उसी टाइम पे वहाँ पे थोड़े नज़दीक में ही एयर बेसिस पे हमला हुआ। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पर बोला कि हम तब तक ही वॉर नहीं कर रहे हैं जब तक हम पे हमला नहीं होता, जब हम पे हमला होगा तो हम उसका सामने जवाब देंगे। तो इस हमले के बाद हिंदुस्तान भी उस वॉर में एंटर हुआ और हिंदुस्तान ने 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान को हरा दिया, बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। और ये दुनिया की सबसे छोटी फाइट्स में से एक है, छोटी वॉर्स में से एक है। सिर्फ 13 दिन के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का सफाया कर दिया और पाकिस्तान के चीफ आर्मी ने सरेंडर किया हिंदुस्तान के सामने और एक ट्रीटी साइन करी, और जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आमिर अब्दुल खान नियाजी, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के चीफ थे, जिन्होंने एक सरेंडर ट्रीटी साइन करी, उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और इसी तरीके से लिबरलाइजेशन वॉर एंड में आई, और इसको इसका दूसरा नाम इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 भी है, क्योंकि इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। विजय दिवस को भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश, ये सारे अलग अलग नाम हैं। पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनका नाम था आमिर अब्दुल खान नियाजी, और हिंदुस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश की तरफ मुक्ति वाहिनी, और हिंदुस्तान और मुक्ति वाहिनी को जिन्होंने लेड किया उनका नाम था लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह। तो ये हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने इस वॉर को लेड किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से लेड किया था, और हिंदुस्तान को इसमें जीत मिली थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे जवान शहीद भी हुए थे, पर इन द एंड बांग्लादेश को अपनी आज़ादी मिली और हिंदुस्तान ने भी अपने हमले का एक मुँह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, जिसके बाद तकरीबन 28 साल तक पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया था। 1999 में उन्होंने एक कारगिल पे हमला किया था, जो कि बहुत ही दुखद बात थी। तो ये थी विजय दिवस की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आज ही, बेसिकली आज 16 तारीख है, आज ही विजय दिवस है, तो इसको सेलिब्रेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि विजय दिवस के दिन आखिर हुआ क्या था। तो यही है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।